हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं, अगर आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन हम बहुत बार एक गलती कर जाते हैं कि खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, जबकि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो हमारी वैल्यू करेंगे, वो हमारी वर्थ को समझेंगे और हमें रिस्पेक्ट देंगे। दोस्तों, आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आत्मसम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। सो खुद से प्यार कीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद की सोच को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए एंड सबसे अच्छी बात कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे हैं, अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस एक्सेप्टेंस के साथ साथ खुद को रोज बेहतर बनाने के प्रयास करते रहते हैं, सो डेफिनेटली आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, वो आप भी करने लगते हैं। और जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए जो जिम्मेदारियां हैं आपके आसपास के रिश्तों की, समाज की, उन्हें आपको भूल जाना है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए खुद की वैल्यू करना है, खुद से प्यार करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समाज, ये रिश्ते और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रैक्टिसेस को जरूर अपनाएंगे एंड आप देखेंगे कि इन प्रैक्टिसेस की वजह से आपके जीवन में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं एक आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले एक ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आपको मदद करेंगे आपके असमय जो बाल सफेद हो गए हैं उनको वापस से काला करने के लिए। मैंने असमय पर यहां पर फोकस इसलिए दिया है क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि 40 की एज के बाद या 50 की एज के बाद बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये एक नेचुरल एजिंग का प्रोसेस। अगर आप मेरी जैसी एज में हैं, जहां पे आप 42 प्लस की एज में रह रहे हैं, तो वहां पर आपके बालों का ग्रे होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एज में हैं जहां पे आपका बहुत कम एज है, आप 15-20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 28 साल के हैं और आपके बाल सफेद हो रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपको अपने रूटीन में इन टिप्स को जरूर शामिल करना चाहिए। ये टिप्स आपको मदद करेंगे आपके बालों की ग्रेइंग को रिवर्स करने में और फर्दर जो ग्रेइंग आपके बालों की होने वाली है उसे भी नॉर्मलाइज करने में, उसे भी मिनिमाइज करने में। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उन्हें रेगुलरली फॉलो करें। जब आप इन्हें रेगुलरली फॉलो करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे वापस से ब्लैक होना शुरू हो गए हैं और जो फर्दर जो ग्रेइंग हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे रुक गई है। सो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बालों के असमय होने की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कारण क्या है। आज से अगर हम दो जनरेशन पीछे चले जाएं तो वो 70-70 साल की एज में भी बाल काले हुआ करते थे, लेकिन आज की अगर हम जनरेशन की बात करें तो 8 या 10 साल के बच्चे के सर में भी हमें कुछ सफेद बाल मिल जाते हैं। इसका मतलब कि पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है हमारे शरीर में होने वाले न्यूट्रिशन की कमी। हमारे शरीर में, हमारे खाने में जब पोषक तत्वों की कमी होती जाती है, तो उसकी वजह से हमारे बालों को जो बिल्कुल जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले पक जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। इसका मतलब कि हमें हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ों का इनपुट करना होगा। क्या है वो चीज़ें, बात करेंगे। नंबर दो जो चीज़ आ रही है दोस्तों, वो आता है स्ट्रेस। आज हम देखते हैं कि पिछली जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन में स्ट्रेस बहुत कम था। आज हम 5 साल के छोटे बच्चे से भी अगर बात करते हैं तो हाउ यू आर फीलिंग टुडे, सो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज करती है। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा जो उन पे स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है वो उनकी कम होती जा रही है। सो मेक श्योर कि उनका स्ट्रेस धीरे धीरे कम करें, जिसके लिए आप मेडिटेशन की उनको प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं, आउटडोर गेम्स उनको खिलवा सकते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं।
दोस्तों, अब हम खाने पीने की अगर चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए अगर हम अपने असमय होते हुए बालों को रोकना चाहते हैं, तो वो है कि आपको काली किशमिश अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। काली किशमिश जो है वो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। एंड सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो कलर कम हो गया है, जो मेलानिन कम हो गया है, उसको वापस से रेगुलेट करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। रोज़ाना लगभग 20 काली किशमिश आप रात को भिगो दें और सुबह सुबह उन्हें बिना ब्रश किए अगर आप अच्छे से चबा चबा करके खाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर आपके बालों का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, आपके बालों के अंदर जो सफ़ेदी होने की जो स्पीड थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको 20 काली किशमिश के पीसेस नहीं लेने हैं, आप 20 की जगह पर 10 लेंगे। और उसको भी आप लेने से पहले प्लीज़ अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उससे आप कंसल्ट ज़रूर कर लेंगे। नंबर दो जो टिप आता है दोस्तों वो ये कि आप अपने रूटीन के अंदर जब भी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे उस ब्रेकफास्ट के समय पर आपको 10 करी पत्ता ज़रूर खाने हैं। करी पत्ता बहुत इजीली हम अपने घर में उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा जगह आपको उसके लिए नहीं चाहिए, आप किसी भी मीडियम साइज के गमले के अंदर करी पत्ते का पौधा लगा सकते हैं। एंड रोज़ 10 पत्ते आप अपने नाश्ता करने से पहले अगर अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो करी पत्ते के अंदर होने वाला क्लोरोफिल एक विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नेचुरल मेलानिन का प्रोडक्शन होता है और हमारे समय से पहले सफेद होने वाले बाल जल्दी ही अपना कलर वापस से चेंज करना शुरू कर देते हैं। सो इसे भी अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। टिप नंबर 3 आता है कि अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी जरूर खाएं। विटामिन सी जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे शरीर की नेचुरल एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। सो बहुत जरूरी है कि विटामिन सी आपके रूटीन में जरूर होना चाहिए। विटामिन सी के लिए जो एक बेहतरीन चीज हमें मिलती है वो होता है आंवला। सर्दियों का सीजन चल रहा है, आंवला बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसे उबाल करके सूखा करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसे गर्मियों में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो मार्केट में सूखा हुआ आंवला कैंडी मिलता है। आंवला कैंडी शुगर कोटेड हमें नहीं लेना है, सूखा आंवला जो नमकीन कैंडीज हमें मिलती हैं वो आप लीजिए, 4 से 5 टुकड़े अपने दिन भर के शेड्यूल में कभी भी आप उसे लीजिए। चूसने में भी आपके मुंह का स्वाद भी बहुत अच्छा होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और साथ के साथ में आपके असमय जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब लास्ट में मैं आपको एक पाउडर की रेमेडी बता रहा हूँ, एक रेसिपी बता रहा हूँ जो आपको मदद करेगा आपके सफ़ेद होने वाले बालों को वापस से काला करने में। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहली जो चीज़ चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए काले तिल। काले तिल के अंदर कुछ ऐसे फाइटो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बालों के अंदर जो मेलानिन की कमी हो गई है उसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो सफ़ेद हो गए हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। सो हमें यहाँ पर काले तिल लेना है लगभग 100 ग्राम। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो डालना है महाभृंगराज। महाभृंगराज बालों के लिए बहुत ही सुपर पावरफुल हर्ब है जो कि मदद करती है हमारे बालों के अंदर जो मल्टी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए। सो अगर हमारे बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, हमारे बालों में डैंड्रफ हो रहा है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बालों के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको ख़त्म करने में महाभृंगराज हमारी मदद करता है। महाभृंगराज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको साबुत लेना चाहिए, और ये साबुत महाभृंगराज जब आप लेते हैं तो आपको ये मदद करता है की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। सो घर में इसे साबुत लेकर के आएं और इसे पीसें और 100 ग्राम पाउडर हमें काले तिल के साथ इस महाभृंगराज का भी मिला देना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए सूखे आंवले का पाउडर। सूखा जो आंवला पाउडर होता है उसके अंदर विटामिन सी होने के साथ साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मदद करते हैं हमारी फर्दर ग्रेइंग को डिले करने में। सो हमें यहाँ पर आंवला पाउडर भी 100 ग्राम लेना है। इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर, मतलब काले तिल, महाभृंगराज और आंवला, इन तीनों को ही बराबर मात्रा में मिला करके एक पाउडर बना लीजिए और इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर भर करके रख लीजिए। एक बार अगर आपने ये पाउडर बना लिया है तो ये 3 महीने तक खराब नहीं होता है। इस पाउडर में से रोज़ 1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच पाउडर रात को अगर आप एक गर्म ग्लास दूध के साथ लेते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके शरीर के अंदर जो आपके बालों का कलर सफ़ेद हो रहा है उसको वापस से चेंज करने के लिए, वापस से रिवर्स करने के लिए। अब आपके कुछ सवाल आते हैं, क्या सर हम इसे आंवला अगर है, विटामिन सी है, खट्टा है, दूध के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आप खट्टी चीज़ के साथ
दूध नहीं ले सकते हैं, बहुत आराम से लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इस रेमेडी को फॉलो कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी टेंशन के, सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम ही लेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। नंबर 4, हमें कितने महीने तक लेना है, तो कम से कम 6 महीने तक लें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों को अपना रिजल्ट्स दिखाने में समय लगता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आप धैर्य रखेंगे, सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत अच्छे से वापस से रिजुविनेट हो रहे हैं एंड सफ़ेद की जगह पर ब्लैक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कुछ टिप्स आज मैंने आपको दिए, आप इन्हें रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे एंड डेफिनेटली आपको इनकी वजह से बहुत सारा बेनिफिट भी मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि इन टिप्स को फॉलो करें, जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि हम भी मोटिवेशन आपके इन रिजल्ट्स की वजह से ले सकें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन को हिट कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशंस में ऑल को सेट करके रखिएगा, ताकि आप सभी वीडियोस को रेगुलरली देख सकें और इस नॉलेज का बेनिफिट उठा सकें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपके आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप बिना मिस किए आराम से उन्हें देख सकें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।